बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में कोरोना के मामले बढ़ने पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा एक्शन मोड में हैं। उन्होंने राजस्थान में कोविड प्रबंधन के लिए राज्य स्तरीय प्रबंधन समिति का गठन कर दिया है। समिति के गठन के साथ ही मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर दिया है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों में कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने कोविड मैनेजमेंट के लिए टीम का गठन किया है। कोरोना से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब सरकार ने कोविड एडवाइजरी जारी कर दी है। पंजाब सरकार ने एडवाइजरी में अस्पतालों में डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ, मरीजों और उनके परिवारों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही लोगों को मास्क पहनने और भीड़भाड़ वाले इलाकों से दूरी बनाए रखने की हिदायत दी है। सर्दी, जुकाम, खांसी, सांस लेने में तकलीफ होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की अपील की है। हालांकि जो JN.1 वेरिएंट है ये इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर पहले से गंभीर बीमारियां हैं तो फिर ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। और देश में तो कोरोना के मामले अब 3000 तक पहुंच गए हैं। ऐसे में सभी राज्यों की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की जा रही है। अब पंजाब सरकार ने भी इसको लेकर के एडवाइजरी जारी की है। इससे पहले हमने देखा था कि केंद्र सरकार ने तमाम राज्यों को भी एडवाइजरी जारी की थी ताकि वो टेस्ट करें, रैपिड टेस्टों को बढ़ाने की यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से तमाम राज्यों को। तो देश के कई राज्यों में कोरोना तेजी से फैल रहा है। केंद्र सरकार पहले ही कोरोना पर एडवाइजरी जारी कर चुकी है, वहीं इस बीच पंजाब सरकार ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि मान सरकार ने लोगों को क्या क्या हिदायतें दी हैं। दरअसल पंजाब में मान सरकार ने अस्पतालों में सभी लोगों के लिए यानी डॉक्टरों के लिए, मेडिकल स्टाफ, मरीजों और उनके परिजनों के लिए मास्क पहनना जरूरी कर दिया है। इसके अलावा पंजाब सरकार ने लोगों से भीड़भाड़ वाले इलाकों से दूरी बनाए रखने की अपील की है। सर्दी, खांसी, सांस लेने में तकलीफ होने पर डॉक्टर से मिलने की सलाह दी है। वहीं सरकार ने लोगों से सार्वजनिक जगह पर मास्क पहनने की भी अपील की है। और पंजाब में कोरोना के मामले सामने आने के बाद मान सरकार ने लोगों से कोविड नियमों के पालन की भी अपील की है। तो देश में तेजी से फैल रहा है कोरोना और ये न्यू ईयर के जश्न को फीका करता दिखाई दे रहा है। देश के कई राज्यों से कोरोना के रोजाना मामले सामने आ रहे हैं। शुक्रवार यानी एक दिन पहले 300 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए थे। अब आपको बताते हैं कि देश के किस राज्य में कितने केस दर्ज किए गए हैं और कितनी तेजी से ये फैल रहा है। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं केरल की, यहाँ पर 265 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तमिलनाडु की तो यहाँ पर 15 मामले अभी तक सामने आए हैं। कर्नाटक में 13 मामले सामने आए हैं, यानी केरल देश में जितने भी मामले हैं 88% मामले केरल में हैं। तेलंगाना की बात करें 5, पुदुचेरी में 5, आंध्र प्रदेश में 3 मामले हैं। यानी कि इजाफा हो रहा है, संख्या भले ही कम है लेकिन जिम्मेदारी से काम लेना होगा। राजस्थान में भी 3 नए मामले सामने आए हैं जिसमें 1 महीने के बच्चे को भी कोरोना हुआ है। छत्तीसगढ़ में 3 मामले सामने आए हैं, वहीं बिहार तक भी पैर पसार दिए हैं 2 मामले। जम्मू कश्मीर में 1, उत्तर प्रदेश की बात करें तो नोएडा में 1 मामला सामने आया है। तो अब ये बाकी राज्यों तक भी फैल रहा है और क्योंकि दुनिया के 41 देशों में कोरोना फैल चुका है, ऐसे में देश में अभी लगभग 3000 तक के मामले सामने आ चुके हैं। देश भर से कोरोना के मामले सामने आने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है।